18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू। प्रोटेम स्पीकर भृतहरि महताब ने प्रधानमंत्री मोदी के सांसद के रूप में दिलाई शपथ। 18वीं लोकसभा के पहले दिन पीएम मोदी संसद पहुंचे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और जितेंद्र सिंह ने किया स्वागत। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान दिखा अनूठा नजारा। पीएम के साथ दिखे चार बीजेपी के सांसद और मंत्री। नॉर्थ से जितेंद्र सिंह, साउथ से एल मुरुगन, वेस्ट से अर्जुन मेघवाल और ईस्ट से किरेन रिजिजू। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश की जनता ने हमारी नीति और नीयत पर मुहर लगाई। पीएम मोदी बोले, देश की जनता ने लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया। हर किसी को साथ लेकर देश की सेवा करेंगे। इमरजेंसी के बहाने पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, 25 जून भारत के इतिहास में ना भूलने वाला दिन। इमरजेंसी लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह। पीएम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। बोले, लोग संसद में काम चाहते हैं, स्लोगन नहीं। उम्मीद है विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सांसद के तौर पर ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर महताब दिला रहे शपथ। नई संसद में सांसदों का शपथ ग्रहण जारी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सांसद के रूप में ली शपथ। कर्नाटक के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने ली सांसद के तौर पर शपथ। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी सांसद पद की ली शपथ। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट नीट के लगाए नारे। संसद भवन परिसर में एनडीए गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन। संविधान की प्रति लेकर सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। सोनिया गांधी ने भी विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में लिया हिस्सा। हाथ में संविधान उठाकर एनडीए गठबंधन के सांसदों का दिया साथ। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, संविधान बचाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। संविधान को कोई छू नहीं सकता। संसद परिसर में प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, पीएम मोदी लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ रहे। संविधान को बचाने की हमारी कोशिश में जनता हमारे साथ। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान। बोले, संविधान को नष्ट करने के बीजेपी के प्रयास का विरोध करते रहेंगे। अखिलेश और डिंपल यादव समेत एसपी के सभी नवनिर्वाचित सांसद संसद पहुंचे। संविधान की प्रति लेकर पहुंचे सभी सांसद। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर जवाब। बोले, हम संविधान नियम के तहत काम करते हैं। सभी दलों को मिलकर संसद चलना चाहिए। राहुल गांधी ने वायनाड सीट से दिया इस्तीफा। प्रोटेम स्पीकर भृतहरि महताब ने इस्तीफा मंजूर किया। रायबरेली से बने रहेंगे सांसद। नीट पेपर लीक मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में जांच तेज। सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम जांच के लिए पटना पहुंची। पटना नीट पेपर लीक केस पर बोले सोनू के पिता, कहा, एग्जाम पेपर लीक से मेरे बेटे का कोई संबंध नहीं है। सोनू को ईओयू ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। एग्जाम पेपर लीक पर बोले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, छात्रों के भविष्य को खत्म करने की साजिश और ये युवाओं और देश के साथ विश्वासघात। नीट पेपर लीक मामले पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, एक देश एक एग्जाम कराने में ये सरकार फेल। झारखंड के हजारीबाग में नीट पेपर लीक की जांच। ईओयू ने नूतन नगर में कुरियर सर्विस के ऑफिस में ली तलाशी। फोटो और रिकॉर्डिंग ली गई साथ। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 26 जून को होगी सुनवाई। केजरीवाल ने हाईकोर्ट की जमानत पर रोक लगाने के फैसले को दी चुनौती। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक टाली सुनवाई। दिल्ली में जल संकट और आतिशी के अनशन पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जल संकट पर पीएम मोदी चुप, दिल्ली की मजबूरी पर अनशन कर रहे हैं जल मंत्री। दिल्ली के मंत्री बोले, जल संकट से दिल्ली वाले परेशान, एलजी इसे गंभीरता से ले, हम लोगों के साथ, एलजी को करना चाहिए विजिट। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। दिल्ली जल संकट में पीएम के हस्तक्षेप। हरियाणा को दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ने को कहा। पानी को लेकर दिल्ली के एलजी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से बातचीत की। नायब सिंह ने मामले को गंभीरता से देखने का दिया भरोसा। दिल्ली में जल संकट। ओखला फेज 2 और हरकेश नगर इलाके में पानी की सप्लाई नहीं। टैंकर्स के जरिए लोगों को मिल रहा थोड़ा थोड़ा पानी। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी जल संकट बरकरार। चिल्ला गांव में टैंकर से हो रही है पानी की सप्लाई। पानी लेने के लिए धक्का मुक्की हो रही। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने आज बुलाई बैठक। राहुल और प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। एमपी में रामकृष्ण और स्कूल कॉलेज में पढ़ाने पर सियासत तेज। दिग्विजय सिंह बोले, राम और कृष्ण हमारे आदर्श, उन्हें पढ़ाना चाहिए। गुरु नानक, जीसस और मोहम्मद साहब के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले सीएम मोहन यादव, राम और कृष्ण की उपलब्धियों को भी हम उच्च और स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी, दिग्विजय सिंह मदरसा जाएं, रामकृष्ण का पाठ पढ़ाने को कहें तो लगेगा वो हिंदू हैं।
दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का पलटवार, बोले हम सभी धर्म का समान रूप से सम्मान करते हैं, कांग्रेस शुरू से चीजों को सहज रूप में नहीं लेती। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बीजेपी का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं की मांग, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर माफी मांगे राहुल गांधी। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय बोले भारत बांग्लादेश के बीच समझौते में पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं बुलाया, सरकार सब एक तरफा कर रही। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पदभार संभालने के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक की, कई योजनाओं पर हुई चर्चा। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने पदभार संभाला, नायडू सरकार में मानव संसाधन और आईटी मंत्री बने हैं नारा लोकेश। हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, समय पर सैलरी के लिए ग्रीन चैनल बनाने समेत कई मांगे रखी। तमिलनाडु में बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के राज्यपाल से मुलाकात की, कलाकुर्ची में जहरीली शराब से मौत के मामले में मुलाकात। तमिलनाडु जहरीली शराब कांड पर बोले कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम, ये एक गंभीर मुद्दा, हम लोग इस पर चुप नहीं, हमने राज्य सरकार से अवैध शराब पर कार्रवाई को कहा। तमिलनाडु में कलाकुर्ची में जहरीली शराब से मरने वालों का बड़ा आंकड़ा, अब तक 57 लोगों की मौत, जिला कलेक्टर ने दी जानकारी। अयोध्या पहुंचे हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, राम मंदिर में पूजा अर्चना कर रामलला का लिया आशीर्वाद। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा तिरुपति बालाजी मंदिर में किए दर्शन, लिया भगवान का आशीर्वाद। इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु धवन भी रही साथ, भगवान वेंकटेश्वर की पूजा कर आशीर्वाद लिया।